हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे गूगल पे कैसे एक वेबसाइट को सबमिट करना है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मेरा एक वेबसाइट, यहाँ पर देखो ये चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है। तो हम लोग सबमिट करेंगे गूगल के अंदर। गूगल पे सबमिट करने के लिए आप लोगों की जीमेल आईडी चाहिए, ठीक है। जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना आप लोग पहले गूगल क्रोम पे, ठीक है, जीमेल पे लॉगिन कर लेना। उसके बाद न्यू एक टैब ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है गूगल वेब मास्टर, देन प्रेस एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो लिंक आया है डेवलपर डॉट गूगल, और यहाँ पर देखो सर्च डॉट कॉन्सोल, तो को भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर ही करेंगे सर्च डॉट गूगल डॉट कॉम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है हम लोग को। यहाँ पर वेलकम टू गूगल सर्च कॉन्सोल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर हम लोग का जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हाई कोर्ट ऑफिस को हम लोग कॉपी कर लेंगे, गूगल पे जाएंगे गूगल सर्च कॉन्सोल और यहाँ पर जाके तो पेस्ट करेंगे, ठीक है। हो गया https://highcourtofficetoday.com, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, चेकिंग वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, एक वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। HTML से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक .html बोल के फाइल है, इसको डाउनलोड करेंगे और इस फाइल को डाउनलोड करके हम लोग का जो वेबसाइट का रूट फोल्डर है वहाँ पर डाल देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया HTML टैग। एक HTML टैग है, वो ये वाला टैग को हेड सेक्शन में अंदर वहाँ पर कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, वेरीफाई करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, यहाँ पर देखो डोमेन नेम प्रोवाइडर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, फॉलो करते हैं। और यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन प्रोवाइडर से इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर देखो कौन है आपका डोमेन प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमारा गोडाइडी है, ठीक है, गोडाइडी सिलेक्ट किया। उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग को क्या करना होगा, गोडाइडी पे हम लोग को लॉगिन कर लेना होगा जहाँ से हम लोग डोमेन को परचेस किया है, ठीक है। तो ब्राउजर में जाके फिर से न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर गोडाइडी टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और गोडाइडी का साइट आ गया यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन इन करना है यहाँ पर, ठीक है। साइन इन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम डालेंगे, ठीक है। और सॉरी, यूज़र नेम हम लोग यहाँ पर डालेंगे, यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। साइन मी साइन, ठीक है, इसको टिक कर रखेंगे और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो गोड आई डी पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। अभी हमारा डोमेन देखो दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जॉयदीप लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। वन अकाउंट्स के अंदर माई प्रोडक्ट्स बोल के एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और देखो हाई को टॉकिस बोल के मेरा डोमेन है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग फिर से जाएंगे गूगल सर्च कॉन्सोल पे जाएंगे और यहाँ पर देखो हम लोग गोड आई डी सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन बटन के ऊपर हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है। देखो गोड आई डी में आ गया, क्लिक कनेक्ट टू ऑथोराइज, ठीक है, इनेबल गूगल सेटअप। तो हम लोग कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो ओनरशिप वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग गो टू प्रॉपर्टी ऊपर कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो इस पेज का आप जब हम लोग का जो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, तब भी उसके बाद ये वाला ऐसे करके एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके दैट्स इट, और हम लोग का सबमिट भी हो गया, वेबसाइट सबमिट भी हो गया गूगल पे, ठीक है। ओके दैट्स इट, टाटा बाय बाय, सी होम, के सेफ।